अब मेरे पेट में बच्चा अभी भी मारते हैं इसलिए मैं अपना घर छोड़ के आई कहीं मेरे बच्चे को नुकसान हो और मेरे को भी नुकसान हो आपने गलती किया लव मैरिज करके हाँ मुझे लग रहा है मेरी मैंने बहुत बड़ी गलती की है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था अगर मैं ऐसा नहीं करती तो आज मैं अपने घर में माँ के पास भाई के पास होती अब मेरा वहाँ भी जाना आना जाना नहीं है हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल सबसे पहले तो तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का ये जो हमने एक छोटी सी पहल एक मुहिम शुरू की है इसमें आपने बहुत ज़्यादा साथ दिया है बहुत ज़्यादा आप लोगों ने प्यार दिया है हमारे पास बहुत सारी कॉल्स आने लगी हैं लोग कह रहे हैं थैंक यू आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो ये माई का स्वीट होम का कंसेप्ट है उसको उसकी प्रशंसा बहुत ज़्यादा की जा रही है पर मेरी ना आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यहाँ पे एडोपन के लिए कॉल ना करें या फिर शादियों के लिए कॉल ना करें यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का एडोपशन नहीं होता है कि आप बच्चा गोद लेने के लिए बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं कि हमें बच्चा गोद लेना है तो यहाँ पर इस तरीके की कोई भी फैसिलिटी नहीं है दूसरा शादियों की भी यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है लोग फ़ोन कर रहे हैं कि हमें शादी करनी है तो यहाँ पर इस तरीके की कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है हाँ आपको कॉल करना है आप कॉल करिए डोनेशन के लिए आपको कॉल करना है आप कॉल करिए यहाँ विजिट करने के लिए अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए जो नंबर यहाँ पे मैंशन है आप यहाँ पे डोनेशन कर सकते हैं जो भी आपको ठीक लगता है अपनी कमाई का जो भी हिस्सा आप सही समझते हैं वो आप डोनेट कर सकते हैं एड्रेस यहाँ पे मैंशन है आप इस एड्रेस पे विजिट कर सकते हैं तो चलिए आज हम सुनते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि इनको अपना घर छोड़कर यहां आना पड़ा और वो भी ऐसी हालत में जब ये प्रेगनेंट हेलो मैम सर कैसे आप बताइए कि क्या ऐसा हुआ कि आपको सब कुछ छोड़कर आना पड़ा आप पूरी कहानी विस्तार से बताइए मेरे हस्बैंड मेरे को या तो हरापी के मारते हैं या फिर ऐसे ही मारते हैं मेरे को शादी को छः साल होने वाले हैं तो छः साल में उसने चार महीने में पाँच महीने में, में मेरे को मारा ही है तो उससे पहले मैंने एक बार भी नहीं उठाया कदम उसके हाथ में जो आता वो मेरे को मारते थे अब मेरे पेट में बच्चा अभी भी मारते हैं इसलिए मैं अपना घर छोड़ के आई कहीं मेरे बच्चे को भी नुकसान हो और मेरे को भी नुकसान हो अच्छा आप के पेट में बच्चा है आप मतलब कौन से महीने में हैं मेरे को अभी पचवा महीना लगा हुआ है एक मेरी बेटी है एक मेरी बेटी है पांच साल की हो गई है और क्या वो सिर्फ शराब पीकर मारते हैं नॉर्मली भी वो आप हाथ उठाते हैं नहीं शराबी के भी मारते हैं और कोई शराब नहीं पीते हैं उनको इतना गुस्सा आता है कि बोलते हैं मेरे को बहुत गुस्सा आता है इसलिए वो मेरा गुस्सा मेरे से काबू नहीं रहता है इसलिए मैं मारता हूँ अच्छा, आप कौन सी जगह से आप मैं दास खालन से अच्छा आप मेरे को ये बताइए कि आप की जो शादी थी वो लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी नहीं लव मैरिज थी लव मैरिज थी तो जो आपका परिवार है मतलब जो आपका माइका है वो आपका साथ नहीं देता है नहीं जो मेरी मम्मी है वो तो चाहती है और जो मेरे चाचा ताऊ है मेरे भाई वो 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 नहीं चाहते वो सब खिलाफ में आप हाँ। अच्छा आपने अपनी मर्जी से शादी की थी तो जब आप जिस इंसान से मिले थे क्या वो आज वही है या वो इंसान पूरा बदल गया है नहीं जैसे पहले थे ऐसे नहीं अब अब ऐसे नहीं, नहीं। अच्छा। और इस आपका एक और इससे पहले आपको बेटी है हाँ एक मेरी बेटी है अच्छा। तो वो आपकी बेटी पर भी हाथ उठाते हैं या फिर सिर्फ आपको ही शराब पी के मारते हैं या आपकी बेटी को भी उल्टा सीधा बोलते हैं नहीं उनको नहीं मारते उनसे तो बहुत प्यार करते हैं और मेरी बेटी भी मेरे पास नहीं आना चाहती क्योंकि वो उनसे मतलब पता नहीं क्यों मैं मैं भी नहीं बता सकती कि वो जहाँ भी कहीं जाते हैं तो उनको साथ लेकर जाते हैं फिर भी वो मेरे पास नहीं आना चाहती है अगर उससे कोई पूछता है आप किसके पास रहोगे बेटा तो वो मेरा नाम तो लेती नहीं है बोलती है मैं तो पापा के साथ रहूँगी आपको यहाँ के बारे में कैसे पता चला यहाँ के बारे में मैं जब पहली बार आई थी मैं यहाँ से घर से निकली थी मैं पता नहीं कहाँ जाऊँगी कहाँ जाऊँगी मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं वहाँ से सीधा उत्तम नगर गई उत्तम नगर मैंने पुलिस वाले खड़े हुए थे बहुत सारे मैंने उनसे बात की मैंने बोला सर मुझे मैंने कई ऐसी जगह जाना है जहाँ मैं हवस अच्छी तरह रहे मेरे को किसी का वो ना रहे डर यहाँ पे कोई अनाथ आश्रम हो तो आप मेरे को बता दीजिए तो वो जो पुलिस वालों ने मेरे को बताया को, उन्होंने मेरे को कोई वो आ रही थी ग, गाड़ी आ रही थी उसमें मेरे को बैठाया और बस वाले को बोला कि भैया भा, इस मैडम को वहाँ उतार देना अनाथालय के सामने तो वहीं से मैं फिर सीधा अंदर आ गई थी अच्छा तो मतलब आपको पुलिस वालों ने आपकी मदद करी अच्छा जब आपके पति आपको शराब पी के इतना मारते थे आपने कभी भी आपके दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि मैं इसकी जाके पुलिस में कंप्लेन कर दूं मतलब या फिर कोई कोर्ट वगैरह में केस वगैरह आपने कभी भी नहीं सोचा नहीं सोचा सर ऐसा कभी नहीं सोचा था मैंने अभी भी नहीं सोच रही थी लेकिन अब मेरे पेट में बच्चा मैं इस बारे सोच रही हूँ इसलिए मैं घर से निकली फिर मेरे को अन्ना था लेकर पता चला मैं फिर यहाँ आ गई थी क्या आपके पति को अभी पता है कि आप कहाँ पे हो नहीं उनका नंबर नहीं लग रहा है अभी चौबे आ रहा है उनका अच्छा उनका फ़ोन नहीं लग रहा है और आपको ये भी नहीं पता कि आपकी बेटी अभी कहाँ पर है किस हाल में है नहीं मुझे कुछ नहीं पता मेरी बेटी कहाँ है कहाँ नहीं है लेकिन आपकी बेटी आपके पास आना ही नहीं चाहती आपके साथ में लेकिन जैसे उनके पापा पास में रहेंगे तो वो नहीं आएगी अगर उनके पापा कहीं चले जाएंगे तो साथ में आ जाती है साथ में आ जाती है। अभी आपको यहाँ पे आए कितने दिन हो गए अभी तो मैं मंगलवार को आई थी मंगलवार को शाम को आए थे तो यहाँ पे आप करीबन पाँच छः दिन अभी रह चुके हो तो आपको कैसा लगा यहाँ पे यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे सब मैडम दीदी सब मेरी हेल्प करती हैं और खाने पीने का भी बहुत ध्यान ध्यान रखती है मेरा अब जैसे आप यहाँ पे हो तो आपके खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पे सारे लोग हैं तो आपको क्या अंदर से अब अच्छा महसूस हो रहा है बस सर अच्छा तो महसूस हो रहा है लेकिन जो मेरी लड़की है मेरे उसकी उसकी टेंशन बहुत दिमाग में है मैं सोचती मेरी लड़की कहाँ है कहाँ है मुझे कम से कम ये तो पता चले कि है कहाँ और आपके आदमी काम क्या करते हैं वो जहाँ पे हरिमोनियम बनते हैं ना वहाँ काम करते हैं अच्छा वो दुकान वगैरह पे मतलब एज अ सेल्स वगैरह काम करते हैं हाँ हरिमोनियम बनते हैं वहीं हेल्पर का काम करते हैं अच्छा, वो हेल्पर का काम करते हैं हाँ सर तो अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा जैसे आपको अभी प्रेगनेंसी वगैरह है वो आप पे हाथ उठा तो कभी आप उनको बोलते नहीं कि बच्चे पे भी असर पड़ेगा आप मेरे को मार रहे हैं क्या वो इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं समझते वो बोलते मेरे को इतना गुस्सा आता है तुम तू मेरे को इतना गुस्सा दिलाती है मेरे को मजबूरी में हाथ उठाना पड़ता है मैं तुमसे बोल रहा हूँ उठ जा मैं कह रही मुझे चक्कर आ रहे हैं मुझे मेरी थोड़ी सी हिम्मत होएगी तो मैं उठ जाऊँगी तो उनको गुस्सा आता फिर वो मारने लग जाते हैं और ये लव मैरिज के बाद ये नतीजा है हाँ अच्छा आप लोगों को लव मैरिज के बारे में क्या बोलना चाहोगे मैं लव मैरिज के बारे में यही चा, बोलना चाहूँगी देखो सबके मतलब सबकी अपनी अपनी बात होती है फिर शादी के बाद पता चलता है कि हमने इतनी बड़ी वो कर दिया गलती तो कर, कर, आपको कर, लगता है कि आपने गलती किया लव मैरिज करके हाँ मुझे लग रहा मेरी गर, मैंने बहुत बड़ी गलती की है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था अगर मैं ऐसा नहीं करती तो आज मैं अपने घर में माँ के पास भाई के पास होती अब मेरा वहाँ भी जाना आना जाना नहीं है हाँ जो मेरी मम्मी वो चाहती है जो मेरे भाई है वो नहीं चाहते।, चाहते तो अब आपको ये है कि लव मैरिज होने की वजह से आपको फैमिली की तरफ से सपोर्ट भी खत्म हो गया हाँ सर और आपको ये लगता है कि अगर लव मैरिज नहीं हुई होती तो कम से कम परिवार साथ खड़ा होता हाँ सर हाँ सर कभी जैसे आप यहाँ पे आए हैं तो अविनाश भैया ने अभी क्या एक बार भी अभी तक तो काउंसलिंग वगैरह की हाँ मेरे से पूछा है हाँ। कि आपके साथ क्या हुआ मैंने बताया भी है तो भैया मैं एक ए, एक बार और आई थी अच्छा इससे पहले भी आप यहाँ पे आ चुके हैं हाँ, इससे पहले भी मैं एक बार और आई थी सातवें महीने में आई थी मैं सातवें महीने में मैं महीने में अकेली आई थी सातवें महीने में मतलब आप जुलाई में अच्छा आप जुलाई में आप इससे पहले एक बार आ चुके हो हाँ मैं सातवें महीने में आई थी मैं यहाँ पे यहाँ पे आ, अकेली आई थी और मैं यहाँ पे रुकी थी आठ दिन आठ दिन रुकी थी फिर मैंने बोला यहाँ पे भैया से भैया और दीदियों से मैं वे देखो मेरी जो जो मेरी लड़की है उसके बिना मेरा मन नहीं लगता नहीं। मैं सारा दिन रात रात में भी रोती रहती थी खाना खाते टाइम भी रोती रहती थी मैंने बोला कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ मेरे को मेरे को जाने दें अगर मेरा हस्बैंड फिर से कुछ करेगा तो मैं अपनी अपनी जो मेरी जो लड़की को लेके आ जाऊंगी। तो फिर मैं गई जो मेरी सास है चाची सास है उन्होंने मेरे हस्बैंड को भी समझाया और मुझे भी समझाया उसके बाद थोड़ा सा रहने लग गए थे ठीक उसके दो महीने बाद फिर से वही मारा पीटी चालू हो गई तो मारा पीटी चालू हो गई थी फिर मैं अभी न... सितंबर के ल... लास्ट में मैं अपनी बेटी को लेके आ गई हाँ फिर वो अगले दिन फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए मेरे से बाहर वहाँ ऑफिस में मिले थे मेरे से गलती मांगने लग गया ऐसा ऐसा आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं उनको भी किसी को लेके आए थे तो मैंने मना कर दिया था जाने से मैं नहीं जाऊँगी लेकिन जो अड़ोसी पड़ोसी थे उनके वो जो थोड़े से एज में ज़्यादा बड़े थे उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की कम से कम हमारी तो मान लो तो मैंने सोचा चलो मान के देख लेती हूँ तो मैं चली गई मेरे को एक ही दिन हुआ था अगले दिन फिर ऐसा ही ड्रामा हो गया फिर मेरे हस्बैंड मेरी बेटी को लेकर निकल गए और मेरे से ये भी कहते हैं कि मेरे को आपके साथ नहीं रह, रहना है ये बोलते रहते हैं मैं अपनी अपनी बेटी को लेके कहीं निकल जाऊंगा आप कहीं जाना मैं कहीं जाऊँ चलिए ठीक है लेकिन अब आप यहाँ पे हैं तो आप सुरक्षित हैं घबराने की जरूरत नहीं है मायका की एक सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे रहने की पूरी व्यवस्था होती है खाने पीने का पूरा ध्यान रखा जाता है और जैसे कि इन्होंने बताया भी कि जो अविनाश जैन जी हैं माइका के जो फाउंडर हैं वो यहाँ पे काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं जो भी यहाँ पे कपल्स आते हैं जो डाइवोर्स के केसेस होते हैं उनकी काउंसलिंग करते हैं कोशिश करते हैं कि उनका घर फिर से बस जाए और अभी तक हज़ारों ऐसे केसेस आए भी हैं कि जहाँ पे वो जो फ़ीमेल और मेल हैं काउंसलिंग के बाद वो खुशी खुशी साथ में रह रहे हैं कई बार हम बाहरी लोगों के बहकावे में आ जाते हैं और हमारे दिमाग में नेगेटिव विचार आने लगते हैं उस टाइम पे हमें एक समझदार इंसान की ज़रूरत होती है जो हमें गाइड करे जो हमें मोटिवेट करे जो हमें सही गलत में फ़र्क बताए तो वही काम यहाँ पर अविनाश जैन जी करते हैं और उनकी मदद से बहुत सारे परिवार इस टाइम पर खुशी खुशी साथ में रह भी रहे हैं तो जो मायका है ना ये एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है हम यहाँ पे अनाथ हाले नहीं बोलते हम इसको बोलते हैं माई का माँ का घर स्वीट होम कि यहाँ पे आप आ सकते हैं अगर आपका जो पार्टनर है वो आपको परेशान कर रहा है आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको पढ़ने नहीं दे रहे आपके साथ बदतमीजी करते हैं कि भेदभाव करते हैं कि तू लड़की है तुझे आगे हम नहीं पढ़ाएंगे तो यहाँ पे हर तरीके की व्यवस्था है यहाँ पे बहुत दूर दूर से महिलाएँ आती हैं वो खुशी खुशी रह रही हैं क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हमारे आज का समाज ऐसा है ना कि हम औरतों को दबा के रखते हैं यहाँ पर औरतों को आज़ाद रखा जाता है उनकी जो इच्छा होती है वो करते हैं यहाँ पे पढ़ाई भी वो पूरी कर सकते हैं जॉब में भी उनकी हेल्प की जाती है तो ये जो यहाँ पे नंबर मेंशन है यहाँ पे आप कॉल करके आ सकते हैं अगर आपको आपका परिवार परेशान करता है मे बी ऐसा हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए उतनी यूज़फुल ना हो पर क्या पता आपके एक शेयर से ये वीडियो वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ पे किसी महिला को इस वीडियो की ज़रूरत हो नंबर यहाँ पे मेंशन है डोनेशन के लिए ही आप संपर्क करें प्लीज़ एडोप्शन के लिए या फिर शादियों के लिए संपर्क ना करें बहुत बहुत शुक्रिया आप